हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो तो कैसे आप लोग। अगर अभी आप देखो मुझे स्कूल यूनिफॉर्म इसलिए देख रहे हो और देखो इतनी रोशनी इसलिए हुई है क्योंकि अभी 12 ऑलमोस्ट 12 बनने वाले हैं और मैं स्कूल जा रहा हूँ क्योंकि मेरा सस्पेंशन लेटर आ चुका है। पापा को कुछ बात करने जानी है तो प्रिंसिपल मैम ने बुलाया। जस्ट जोकिंग, कोई सस्पेंशन लेटर नहीं है, वो कुछ मम्मा को देख लो। मेरी आज पीटीएम है तो इसलिए आज पापा और मैं जा रहे हैं, मम्मा नहीं जा रही है। थैंक्स फॉर दिस मास्क। चलो देखते हैं पापा कितनी देर में आते हैं। देखो मैं ऐसे परेशान हुआ हुआ, जब से मैं कपड़े पहन के आया हूँ ये वाला, तब से मुझे सूंघ जा रहा है। उसे लग रहा है इतनी लेट इस टाइम मैंने ये कपड़े क्यों पहन लिए है, जब कैसे सूंघ रहा है। उसे लग रहा है कि अब मैं जाऊंगा ठीक है, लेकिन इस मतलब टाइम पे इतना लेट तो समझ नहीं आ रहा कुछ। तो चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, आज सोहू के स्कूल में है पीटीएम और वो गया अपने पापा के साथ बहन के। मैं लगाने लगी हूँ हेयर कलर, तो थोड़े वाइट हो रहे हैं ना, तो कलर करके फिर मिलती हूँ आपको। कलर करके क्या, जब सोमू ना पीटीएम से आएंगे ना तब मिलेंगे, देखते हैं क्या रहता है उसका, क्या कहती है टीचर। तो ये दोनों आ गए वापस। मैं तो नहा रही थी, अपने घुसाए चाबी से खोल खाल के। तो पापा कैसी रही पीटीएम? बहुत बढ़िया। और आते ही ये लोग खाना भी खाने लग गए, बहुत भूख लग रही थी। अच्छा पापा, पहले ये बता दो ये क्या खा रहे हो तुम? काले छोले। कैसे बनाए? मैंने बहुत बढ़िया, मस्त, अच्छे बनाए हैं। अच्छे बनाए हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा अब ये मुझे बताओ कि पीटीएम कैसी? बहुत अच्छी थी, सारे टीचर कह रहे थे कि ही इज वेरी गुड बॉय, वेल मैनर्ड। अच्छा, हमें कोई कंप्लेंट नहीं है, आपको कंप्लेंट है बताओ, मैं मुझे भी कोई कंप्लेंट नहीं है। बस सारे टीचर्स ने यही बोला, तीन टीचर्स से मिले हैं टोटल। हाँ। भीड़ बहुत थी वहाँ पर। अच्छा चलो फिर, पापा खुश आए हैं बच्चे की परफॉर्मेंस से, हैं? खुश थे तुम? हाँ मैं बहुत खुश था। पापा को भी कलर की जरूरत है, देखा ना पापा, पापा भी वाइट हो रहे हैं साइड से, मैं तो हो गई ब्लैक। तो सुनो तुझे कैसा लगा स्कूल जाके? पापा ने बहुत बोरिंग का, क्यों कुछ था ही नहीं, किसी ने डांट नहीं लगाई तुझे? फ्रेंड्स आज खाना वाना खा के हम आए हैं फिर से कुल्फी खाने, कुल्फी फेवरेट हो गई है हमारी, मजा आता है हमें। सोमू कैसी लग रही है कुल्फी? उस दिन तो सोमू और मैंने रबड़ी खाई थी, पापा ने कुल्फी, आज पापा भी कुल्फी, मैं भी कुल्फी और सोमू भी कुल्फी। सोमू पता नहीं कहाँ देख के जा रहा है, सोमू अपने पुराना स्कूल देख रहा है, इसके पुराने स्कूल के पास आते हैं हम कुल्फी खाने। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं घर जाके। तुम अपने भी तो लेने आए थे बुद्धू? मैं अपने भी लेने आया था। हाँ तो तब भी दो बार ही आता हूँ, मंदिर के अंदर नहीं गए थे बुद्धू। सुबह सुबह आना था 5 बजे तो मंदिर नहीं खुला होता। खुला होता है? नहीं खुला होता, नहीं लोग ना सुबह फ्री होने के लिए मंदिर को जाते थे। फ्री होने चांद नजर आ गया, ओ ब्यूटीफुल, कितना अच्छा चांद लग रहा है देखो। बैठेंगे बातें करेंगे। पापा फुटपाथ पे चलाने वाले हैं, पापा मुझे दे दो। पापा को हिचकी आ गई है, जब पापा गाड़ी चलाते हैं कुछ और करते हैं तो बस यही हमारा सहारा होता है। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, देखो ये बेचारा डॉगी यहीं बैठा रहता है, इसको सारी गली के डॉगी तंग करते हैं। एक ये हमारा मैक्स नहीं छोड़ता उसे, मैक्स चुप हो जा।
ये गली में कितने लोगों को काट चुका है पर बहुत कमजोर हो गया और इसको कोई जीने नहीं दे रहा रहता डॉगी इसको अपने ग्रुप से ही बाहर कर दिया बेचारे को ये देख कभी हमारे गेट पे बैठते हैं कभी उस गेट पे मैक्सिमम ये लोग बैठते हैं मैक्सिमम तो चलो फ्रेंड्स घर हम पहुंच गए हैं ये जिस तरह से बैठता है ना ये गिरने वाले पोज में ही बैठता है ब्रेक लगती है कौन सी तो फ्रेंड्स हम गेट बंद करके आ रहा है तो इसी के साथ ब्लॉग हम आज यहीं एंड करते हैं ठीक है तो कैसे करते हैं वो मामा बताएगी हैं वो मामा बताएगी अब हम घर आ गए हैं तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ हाथों हाथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना तभी आप हमारे नए ब्लॉग का नोटिफिकेशन पाएंगे ओके बाय